हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में यार कुछ अनबॉक्सिंग वगैरह करेंगे क्योंकि मेरे पास यार कुछ कमाल का यहाँ पर बॉक्स आया है। बड़ा सा बॉक्स है यार, क्या है इसके अंदर मेरे को नहीं मालूम। बस इतना बता सकता हूँ कि यार ये जो बॉक्स है वो मेरे पास एसूस की तरफ से आया है। तो गाइस, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे काफी अपने सब्सक्राइबर भाइयों से पूछा था कि भाई क्या है इसके अंदर, काफी लोगों ने गेस किया तो मैंने वहां पर अपडेट किया। बट यार आज के इस वीडियो में क्विकली इसको खोल के देखते हैं और देखते हैं यार क्या मसाला हमें यहाँ पर एसूस ने भेजा है। तो भाई बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, फटाफट से यार इसका मर्डर करेंगे। और इसके लिए मेरे पास यहाँ पर चाकू है जिससे हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और मर्डर करेंगे। तो यार विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस फटाफट से मैं अपना औजार यहाँ पर लेके आ गया हूँ। अब भाई इसका मर्डर करते हैं। सबसे पहले यार यहाँ से हम इसका मर्डर करेंगे। ये हमने मारा ऐसे चाकू और यार ये तो हो गया है ओपन। तो गाइस इसकी फटाफट से पॉलिथीन को हम यहाँ पर कर लेते हैं, एक बार ही निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो पॉलिथीन को निकालते हैं नीचे से। तो भाई ये तो हो गया है, काफी बड़ा सा बॉक्स है यार। अब इसको खोल लेते हैं। तो यार ये रहा अपना बॉक्स। अब यार ये बॉक्स उल्टा हो गया है, चलो बढ़िया है। अब ये रहा हमारा बॉक्स यार, इसको निकालते हैं कुछ इस तरीके से हम यहाँ से बाहर। तो गाइज ये रहा हमारा बॉक्स जो मुझे इसके अंदर मिला है। और यहाँ पर आपने देख लिया होगा कि X512F लिखा हुआ है, यानी कि ये एसूस का बॉक्स है। और इसको हम एक बार यूं करके रखते हैं। तो गाइज क्या बात है, यहाँ पर हमें एसूस का वीवो बुक देखने के लिए मिलता है। तो यार कमाल की बात है, हमें यहाँ पर ये नोटबुक देखने के लिए मिल रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ है X512F। और यार ये जो बॉक्स है इसको एक बारी खोल के देखते हैं इसके अंदर हमें क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। तो गाइज कुछ इस तरीके का ये बॉक्स है, यहाँ पर कुछ की स्पेसिफिकेशंस वगैरह लिखी हुई है जो कि आप यहाँ पर पॉज करके यहाँ पर पढ़ लेना, बाकी मैं फटाफट से इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो यार कर लेते हैं इसको फटाफट ओपन। तो गाइज सबसे ऊपर हमें ये अपना लैपटॉप देखने के लिए मिल जाता है जो कि यार काफी बढ़िया बात है। अब एक बार इसको निकाल के यहाँ पर हम साइड में रखते हैं। तो गाइज उसके बाद बॉक्स में हमें कुछ ये मिलता है जो कि इसका यूजर गाइड है और क्विक स्टार्ट गाइड है, इसको भी एक बार साइड में रखते हैं। तो गाइज उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ HDD किट देखने के लिए मिलती है जो कि आप अपनी हार्ड ड्राइव वगैरह लगाने के लिए यहाँ पर यूज में ले सकते हो। तो यार ये भी काफी बढ़िया चीज है कि आपको ये बॉक्स में इंक्लूड करके दी गई है, इसको भी रखते हैं साइड में। तो गाइज यहाँ पर हमें दो चीजें देखने के लिए मिलती है, एक तो अपनी पावर कॉर्ड है, साथ ही यहाँ पर हमें चार्जर देखने के लिए मिलता है, इसको जो चार्ज हम करेंगे इसी के साथ। तो गाइज ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्लग हो जाएगा और उसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हो प्लस 19 वोल्ट एट 3.42 एम्स यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये चार्जर हमें बॉक्स में मिल जाता है। तो उसके बाद गाइज हम इन सारी चीजों को एक बार साइड में रखते हैं और यार अपने लैपटॉप को यहाँ पर अभी देख लेते हैं कि हमें यहाँ पर क्या खास देखने के लिए मिलता है। तो गाइज ये रहा कुछ इसका कवर, एक बार इसको निकाल लेते हैं इसके कवर से हम बाहर। तो ये रहा, फटाफट से हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो गाइज देख सकते हो यहाँ पर ये एसूस का लोगो यहाँ पर टॉप में हमें देखने के लिए मिल जाता है। अब यार लैपटॉप की मैं बात करूँ तो यार काफी ज्यादा सही लग रहा है, ऊपर से यहाँ पर एसूस का डिजाइन है और एकदम यहाँ पर क्लीन फिनिश है गाइज, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और काफी यार मेरे को थिन लग रहा है, इतना ज्यादा ये यहाँ पर इसकी थिकनेस ज्यादा नहीं है और काफी सही लग रहा है यार, काफी सारे पोर्ट्स वगैरह भी यहाँ पर हैं। तो यार फटाफट से एक बारी मैं इसको यहाँ पर नीचे रखता हूँ। तो इसको एक बारी हम यहाँ पर ओपन करते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, ये रहा हमारा लैपटॉप और ये इसका ट्रैक पैड है और यहाँ पर लिखा हुआ है गाइस। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंटेल कोर i7 लिखा हुआ है, 8 जनरेशन वाला प्रोसेसर है, एनवीडिया का GeForce MX250 यहाँ पर ग्राफिक कार्ड हमें देखने के लिए मिलता है, साथ यहाँ पर Vivo 14 का ये लैपटॉप है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक हिंज हमें देखने के लिए मिलती है जो कि कुछ इस तरीके से है, जो कि सरफेस से लैपटॉप को थोड़ा अप कर देती है कुछ इस तरीके से। अब इसको आप फोल्ड करते हो तो ये भी काफी बढ़िया चीज है। उसके बाद यहाँ पर नैनो एच डिस्प्ले जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा, टाइप सी पोर्ट वगैरह भी देखने के लिए मिलता है, HDMI यहाँ पर लिखा हुआ है। तो गाइज फाइनली मैंने अपने लैपटॉप को यहाँ पर कम्प्लीटली सेटअप कर लिया और ये ऑन हो गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे पहले गाइज आपकी नजर जाएगी इस डिस्प्ले पे जो कि यार काफी कमाल की है, फुल HD 1080p आपको डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है। और यार बेजल्स आप देख सकते हो काफी ज्यादा कम हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, पूरे बॉर्डर्स देख सकते हो और टॉप एरिया पर भी, और यहाँ पर आपको HD वेबकम भी देखने के लिए मिल जाता है। तो यार ये काफी बढ़िया चीज है। और उसके बाद गाइज जो हमारा ट्रैक पैड है, पूरा ये ट्रैक पैड अपना पूरा बैकलिट हमें देखने के लिए मिलता है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, और यहाँ पर इसकी ब्राइटनेस को आप एडजस्ट भी कर सकते हो। साथ ही गाइज यहाँ पर कुछ और फीचर्स की हम बात करते हैं तो यार काफी ये लैपटॉप जो है लाइट वेट है, इतना ज्यादा हैवी नहीं है क्योंकि यार नोटबुक है ये। और यहाँ पर हम बात करें कुछ अदर स्पेसिफिकेशंस की तो गाइज ये वाला जो मेरा मॉडल
मॉडल है, ये हमारा चल रहा है कोर i7 पे, जो कि 8th जनरेशन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। एनवीडिया का यार हमें यहाँ पर ग्राफिक्स देखने के लिए मिलते हैं, जी फोर्स MX250, नॉट टॉप ऑफ द लाइन गाइज, बट काफी बढ़िया है, आपके काम के लिए काफी सही लैपटॉप ये देखने के लिए मिलेगा। स्लेट ग्रे कलर का ये वेरियंट है। और तो गाइज इस लैपटॉप का जो वेट है वो 1.75 kg का है, जो की काफी बढ़िया चीज है, और काफी थिन एंड लाइट वेट ये लैपटॉप हमें देखने के लिए मिलता है। तो गाइस यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मेमोरी और स्टोरेज की, तो यहाँ पर आपको 8 GB की रैम देखने के लिए मिलती है, जो कि DDR4 रैम है, जिसको आप अपग्रेड कर सकते हो अप टू 16 GB तक, तो ये काफी बढ़िया चीज मुझे लगी है। साथ ही गाइस जो हमें यहाँ पर स्टोरेज देखने के लिए मिलती है वो SSD है। अब यहाँ पर PCIe Gen 3 x 2 NVMe यहाँ पर 512 GB की SSD हमें देखने के लिए मिलती है, जो कि M.2 है। और यहाँ पर डिस्प्ले की हम बात करते हैं, ये 15.6 इंच की डिस्प्ले है, जो कि 16:9 के एस्पेक्ट रेशियो को सपोर्ट करती है। LED बैकलेट डिस्प्ले है गाइज, और एंटी ग्लेयर के साथ आती है। बट गाइज ये जो डिस्प्ले है ये 45% NTSC कलर गैमेट को सपोर्ट करती है, तो बहुत ज्यादा कलर एक्यूरेट नहीं है, बट ठीक ठाक है, काफी अच्छी क्वालिटी आपको इस प्राइस में देखने के लिए मिल जाएगी। साथ ही गाइज जो डिस्प्ले है ये 88% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो को सपोर्ट करती है, तो ये भी काफी बढ़िया बात है कि कम यहाँ पर आपको बेजल देखने के लिए मिलते हैं। 178 डिग्री के यहाँ पर आपको व्यूइंग एंगल्स देखने के लिए मिलते हैं, तो अगर आप इस डिस्प्ले को टिल्ट करते हो अप डाउन करोगे तो यार डेफिनेटली कलर शिफ्टिंग आपको देखने के लिए मिलेगी, बट आप इस तरीके से इसको टिल्ट करके देखोगे तो 178 डिग्री तक आपको डिस्प्ले है वो काफी बढ़िया देखने के लिए मिल जाएगा। तो वैसे उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पर हमें विंडोज 10 होम देखने के लिए मिलता है। उसके बाद गाइस जो हमें कीबोर्ड देखने के लिए मिलता है ये फुल साइज बैकलिट चिकलेट कीबोर्ड है, और 1.4 mm का यहाँ पर की ट्रैवल हमें देखने के लिए मिलता है, तो ये भी काफी बढ़िया चीज है। और यार 19 mm का ये फुल साइज की पिच आपको देखने के लिए मिलता है, और यार ये जो एरो हिंज हमें यहाँ पर साइड में दी गई है, जो कि हमें देखने के लिए मिलती है साइड में कुछ इस तरीके से। अभी गाइज ये सरफेस से हमारे लैपटॉप को 2 डिग्री यहाँ पर राइज कर देता है, ताकि आप कंफर्टेबली यहाँ पर टाइपिंग कर पाए, तो ये काफी अच्छी चीज मुझे लगी है। बाकी गाइज ये जो लैपटॉप है इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से आप इसको चेकआउट कर सकते हो। बाकी गाइज अभी मैं इसको फुली टेस्ट करूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि यार ये लैपटॉप मुझे कैसा लगा है, जो कि मैं इसके फुल रिव्यू में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। बाकी गाइज अगर हम iOS की बात करें तो यहाँ पर आपको microSD कार्ड स्लॉट मिलता है, हेडफोन जैक है, टाइप सी का पोर्ट मिलता है, HDMI पोर्ट है, यहाँ पर आपको टाइप ए पोर्ट मिलता है जो कि 3.1 है Gen 1, और यहाँ पर एक DCI के लिए चार्जिंग पोर्ट है। उसके बाद गाइज हम लेफ्ट साइड की बात करते हैं, तो यहाँ पर टाइप ए पोर्ट है 2, जो कि 2.0 वाले हैं, और यहाँ पर चार्जिंग इंडिकेटर और नॉर्मल LED नोटिफिकेशन है, जिससे हमें पता चलता है कि लैपटॉप ऑन है। उसके बाद गाइज यहाँ पर बैक में कुछ यहाँ पर वेंट्स दिए गए हैं हीट डिसिपेशन के लिए, तो ये काफी बढ़िया बात है। और नीचे स्पीकर हमें देखने के लिए मिलते हैं कुछ इस तरफ और एक इस तरफ, 2 स्पीकर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। बाकी गाइज जो लैपटॉप है वो सोनिक मास्टर की ऑडियो टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। बाकी गाइज मैं इस लैपटॉप को अच्छी तरीके से टेस्ट करूंगा और फुल रिव्यू में आपको बताऊंगा कि कैसे लैपटॉप है और क्या कुछ ये कमाल कर सकता है, बाकी यार सारी टेस्टिंग इसकी करेंगे। तो गाइज अभी के लिए स्टूडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो यार इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक।